भुवनेश्वर कौन सतरे एक स्मार्ट सिटी प्रश्न करिछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य स्तरीय स्वायत्त शासन दिवस अवसर रे एहा पचारिछंती मुख्यमंत्री। असराय बर्षारे इस्कन पाख रास्तारे जंघे पाणी जमुछे, एहा अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि करुछे। एहाकु दर्शाई मुख्यमंत्री भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी को ने संशय अछंती। भुवनेश्वर इस्कन मंदिर जातीय राजपथ 16 कड़े रही। एही रास्ता उपरे वर्षा पानी जमी रहिबा एवं एठारु शीघ्र निष्कासित नहेबा पई जातीय राजपथ कर्तृपक्ष दायी। जातीय राजपथ केन्द्र सरकारक अधीन रे एवं ओडिसा रे मध्य एबे डबल इंजन सरकार थिबा बेले एहार स्थायी समाधान होई पारु नाही। एहाको प्रसंग करी मुख्यमंत्री भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी उपरे प्रश्न करिछंती। एहासह राजधानी रे रहुतबा बस्ती अंचल समस्या कथा भी उठाई मुख्यमंत्री। मंच में उपस्थित एकाम्र विधायकों को लक्ष्य करी मुख्यमंत्री कहिछंती, विधायक तांको भोटर को कौन प्रतिश्रुति देउछंती मु जानि नाही, हेले मुख्यमंत्री हिसाब रे मु तथास्तु कहि पारु नाही। 25 वर्ष पर जेतेबेले आज भुवनेश्वर शहर को आज मु देखुछि ते विराट परिवर्तन हेछि। तले भुवनेश्वर नंबर वन होता भारत वर्ष में बास्तव में जदि आम देखा आज भी सतरे कौन आम भुवनेश्वर सहर स्मार्ट हो जाए आम को आधुनिकतार समस्त प्रकार व्यवस्था आम को छुई ये प्रश्न भी आम मन आसुच्छे। तो आज दिन में सेमती बाबू भाई तथास्तु कौत कि नहीं मुझे जानी ना मुख्यमंत्री हिसाब से भी तथास्तु कही पार ना। आज मुख्यमंत्री एवं सरकार नेतृत्व मुझे नौ कितु आम कह कि द्विधाबोध ना आम अनेक समय शुणी टिके वर्षा हेले आमर से जो इस्कन टेम्पल पाख जो रास्तार पानी भर्ती हो जाए गाड़ी मोटर जाम हो जाए गोटे अपरिस्थिति अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हो जाए। भुवनेश्वर जलबंदी समस्या समाधान दिगरे मुख्यमंत्री एक प्रकार हाथ टेकी नुआ सरकार गठन आल देखा मुख्यमंत्री और मंत्री माने निज असहायता देखा बेले समाधान तत्परता देखा जाऊना। राज्यस्तरीय स्वायत्त शासन दिवस उत्सव मंच मुख्यमंत्री एपरी वक्तव्य चर्चार प्रसंग पलटि। विभागीय मंत्री मुख्यमंत्री कथार सम्मत जनाई स्वायत्त शासन दिवस शुभेच्छा जनइले हेले इस्कन जलबंदी समस्या समाधान बाबद्रे मंत्री की सचिव किछि भी कहिले नाही। इस्कन जलबंदी समस्या समाधान पाई गत सरकार अमल रे बारंबार एनएचएआई कर्तृपक्ष और सरकार को चिठी लिखा दैछि किंतु फल शून्य। एक कथा बोधे मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री भूली जाइछंती बोली बीजेडी प्रतिक्रिया रखिछि। द्वितीय कथा हला कोनोसी शहर को केंद्रीय एजेंसी ही स्मार्ट सिटी रा मान्यता देथाय, एक कथा मध्य मंत्री भूली जाइछंती। मान्यवर मुख्यमंत्री तो सही कथाटी कहले, सी तो समस्त से प्रश्न टी पचारे जो स्मार्ट सिटी कहे सतरे कौन स्मार्ट सिटी है कि स्मार्ट सिटी जहाँ कहे ताइपारी ना तेणु आम बर्तमान संपूर्ण भाव में समस्त चेष्टा करमी जहा जा अधूरा रही पूर्ण करने जो कथा कहले एक आम भी अनुभव करस्ताघाटर कथा कहतु बा ड्रेनेजर कथा कहतु बा सोरेजर कथा कहतु ये कथा नहीं कि आम दुखित अच्छे एवं ताको केमति सुधारी पारू करू से आम सदा सर्वदा चेष्टा रे अच्छे। जानिचु कि आमर जमी लोक मानी नागरिक मानी बागीदारी आम चेष्टा करने कथा जमी लोक मान ईज अफ लिविंग कहते जमी सुविधा से माने जीवन व्यापन करें से जे मूलभूत सुविधा गुड़िक देवार मुख्य काम आमर अर्बन डिपार्टमेंट एंड हाउसिंग रुचि तो आम चेष्टा करूँ आम प्रचेषा रही सब बेले कि जमी लोक मानी मौलिक सुविधा गुड़िकाखे पहुँचाइबा। बहुत दुख लगुच मान्यवर मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी आज गोटे अद्भुत क्वेश्चन पचार जे भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी की इस्कन मंदिर फ्रंट्रे रोडटी हूँ एनएचआई र आउ एनएचआई हूँ केन्द्र सरकार एनएच करदे तार पा जावाई फल्टी डिजाइन कले पा जावाई जगह रही आज पा रहा से पाने जो जिते पानी हो दूरेवाप से सल्यूसन से प्रोब्लेम सल्यूसन करने ड्रेन करवा कथा से नक छाड़ी पलैले तेणु बदनाम से जहाँ को दिंतना कहीं से संपूर्ण रूपे केन्द्र सरकार दायी जाना कथा मान्य मुख्यमंत्री
स्मार्ट सिटी जो अपेक्ष जो आज दे मंतव्य से केन्द्र सरकार थे बीजेपी सरकार भुवनेश्वर महानगर वन ऑफ द बेस्ट सिटी नाउ इन इंडिया बोली घोषणा करते सब बड़ कथा आज जो मंतव्य देखते इस्कन मंदिर आगर सी जाणी दरकार एनएचआई बोली एनएचआई रा पानी आसी सहर भितर पशिकी जो भाया असुविधार सम्मुखीन लोक मैंने ताकू तुरंत केमती समाधान लोक मैं उपकृत हो पारे से जाग्रत होगा उचित। प्रथम थर विधायक होता बेले भुवनेश्वर जमी 25 वर्ष पर भुवनेश्वर कलेबर कदली राजधानी बहुत आग को जा मुख्यमंत्री स्वीकार करस्कन जलबंदी समस्या दर्शाई स्मार्ट सिटी को नहीं सन्देह प्रकाश करने एक राजनैतिक बयानबाजी बोली आलोचना आरंभ हो। भुवनेश्वर कैमरामैन सोमेन जजाति केशरी महांती नंदीघोष।